तो फ्रेंड्स हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। सत्य। सत्य कहाँ से आप? ओडिशा। ओडिशा से। तो सत्य आपने ये आपको ब्लैक पेस्टेड का फ़ोन है आपके पास जो दिया है, तो इसमें आपने क्या क्या काम किया ज़रा एक बार बताना। सीपीयू रिबोलिंग किया, ईएमसी रिबोलिंग किया। ब्लैक ग्लू जो आपने उसका ब्लैक पेस्टेड आईसी था एकदम हार्ड ग्लू आपने ही रिमूव किया जी सर। क्लीन किया, सीपीयू भी क्लीन किया, ईएमसी भी क्लीन किया, दोनों रिमूव करके क्या किया आपने? रिबोलिंग करके फिर से लगाया। अच्छा, फिर से लगा दिए। तो एक बार ऑन करके बताना सर, आपका फ़ोन ऑन हुआ है एक बार। ठीक है, ज़रा ऑन ऑफ की दबा के ऑन करना, ज़रा दिखाना। ऑन ऑफ की पता कट। ट्वीज़र से ऑन करो ज़रा। ऑन ऑफ की क्या पत्ता टूट गया क्या? ठीक है, ट्वीज़र से दबाना। अच्छा, एक बार अच्छे से। हाँ ठीक है, लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे डीसी पे रीडिंग ऑन हो गया और यहाँ पे हमारा फ़ोन हो गया। इनके लिए एक बार ज़ोरदार क्लैप। तो सत्य, ये आपका ब्लैक पेस्टेड आईसी आपने जो रिवॉल्व किया था, तो ये आप फर्स्ट टाइम किए हैं? फर्स्ट टाइम। इसके पहले कभी काम किया ये? कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। मतलब इसके पहले ट्राई किए थे लेकिन कभी कोशिश कर नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे आपको आज के दिन जो बताया था पूरा एक ही दिन के अंदर सब समझ में आ गया कैसे काम करना है, ब्लैक पेस्टेड में कैसे काम करना है। तो आपके आज का कितना दिन हुआ आपका क्लास का? चार दिन हुआ। आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन आपका जो चला था आप आईसी रिवॉल्व करके फिक्स किए, आप नॉन पेस्टेड आईसी काम किए, अभी आज आपको ब्लैक पेस्टेड आईसी दिया हुआ है। तो आप आज के दिन में ही पूरा काम कर दिए, ये निकाल के लगाना सब कुछ आप खुद से किए ना? जी सर। तो आज अभी कैसे आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड है? जी सर। ठीक है, और हमारे सागर सर और फिर सर को जी सर। तो फिर सर का जो बताने का तरीका था आपको, जो भी हैंड स्किल था, जो भी आपको क्लीनिंग करना बताए, और फिर सर का जो उनका ट्रेसिंग वाला नॉलेज था, थ्योरी वाला था, कैसा था उनका पढ़ाने का तरीका? ठीक था। एक बार समझ में आया था तो समझ में आ जाता है एकदम। इजी ट्रिक में बताते, कोई हार्ड लगता है? नहीं नहीं, एकदम इजी लगता है। ठीक है, ये तो ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है। ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।